नारनौल में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को 50,000 से लेकर 60,000 रुपए के बिजली बिल भेज दिए और साथ ही पुलिस सख्ती की चेतावनी भी दे डाली, जिसके विरुद्ध लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। वहीं जब कई महिलाएं इसके विरुद्ध जांच और न्याय के लिए कार्रवाई को लेकर बजरंग दल जिला संयोजक हेमंत चौबे के आवास पर पहुंची, तो उन्होंने उनकी इस लड़ाई को समर्थन देते हुए कहा कि हम सीधे सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे और अगर भी न्याय नहीं मिला तो सभी मिलकर आगे की तस्वीर तय करेंगे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव कुमार मेहता ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से इस पर पूरी जानकारी मांगी और सरकार को इस मामले से अवगत करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हमारे बिल ज्यादा है, 50-50 दो तीन कम 60-60 हज़ार रुपए का, इतनी हमारी इनकम नहीं है, हमारे बस की नहीं, वरना ये समस्या लेके हम यहाँ पे आए। पुराना मीटर उठा के नया लगाए और उसको चेक किया, हमारे सामने तो चेक नहीं किया और हम ये जानते भी नहीं कैसे चेक करते, कैसे अपनी मर्जी से काट दे भाई बिल इतने इतने का हमारे आए 57,000 जी। आपका कितना बिल है? 57,000 का। आपका जी? 60,000 का। आपका जी? 63,000। ये जो पुराने मीटर बदल कर उनकी जगह नए लगाए गए और उसकी एवज में जो ये 50-50, 60-60 हज़ार रुपये गरीब जनता जनार्दन पर डाले गए हैं, ये सरासर गलत है, सरकार की गलत नीति है। सरकार एक तरफ तो कह रही कि मैं गरीब की देसी हूँ, लेकिन गरीबों के अरमान पर बुलडोजर चलाकर और इस तरह जो है घाटे को पूरा करना, मेरे हिसाब से ये एक उचित कार्य नहीं है। इस बारे में आपने क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई की है? मैंने इसके लिए अपने जिला अध्यक्ष जो शिव कुमार मेहता जी है उनके संज्ञान में ये बात डाली है और इन माताओं बहनों को जो है इनको इनके जिलाध्यक्ष जी को जो है ज्ञापन सौंपा है ताकि सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको तुरंत पीड़ित लोग मेरे से मिले, इसके बारे में हम ऊपर से बात कर लें, कहाँ जांच होती है, कहीं मशीन में करती है या इन्होंने छेड़ किया है या एक दो के साथ हो रहा है या आम जनता के साथ ऐसा हो रहा है, इसकी हम जानकारी लेके जाँच करके फिर आपको बताएंगे। मैंने अभी SC साहब से बात की है और SC साहब से बात करके मैंने कहा है कि भाई इस मामले को मैं सरकार के संज्ञान में लाता हूँ, गरीब लोगों को परेशानी से हम बचाने की कोशिश करेंगे, बचाएंगे। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।